जनपद में 4 फरवरी को 9 विधानसभा के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन चल रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 4 फरवरी से जनपद में कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन शुरू हो गया है, क्योंकि जनपद में 9 विधानसभाएं तथा 4 और 5 फरवरी को अलग अलग दल के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। उन्होंने बताया कि नामांकन के साथ ही प्रत्याशी नामांकन पत्र भी ले जा रहे हैं तथा कोई भी व्यक्ति प्ले स्टोर पर जाकर नो योर कैंडिडेट ऐप को डाउनलोड करके किसी भी प्रत्याशी के बारे में हर प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार वोटर हेल्पलाइन पर जाकर के कैंडिडेट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि कौन कौन से प्रत्याशी ने नामांकन किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद में नामांकन चल रहा है, लगभग कितने लोग नामांकन किया जाए? जनपद गोरखपुर में हमारी 9 विधानसभाएं हैं, 4 फरवरी के प्रातः 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 और 5 को विभिन्न न्यायालयों में प्रत्याशियों ने अपने नामांकन किए हैं, लोग नामांकन प्रपत्र भी लेकर के जा रहे हैं। ये समस्त सूचनाएं एक KYC है, नो योर कैंडिडेट है। कोई भी व्यक्ति प्ले स्टोर पर जा कर के नो योर कैंडिडेट डाउनलोड कर सकता है और अपने किसी भी प्रत्याशी के बारे में पूरी सूचनाएं ले सकता है। इसी तरह से हमारा वोटर हेल्पलाइन है, उस पर जा कर के आप कैंडिडेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वास्तव में कितने नामांकन हुए, किन्होंने नामांकन किया और उनका शपथ पत्र क्या है। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे आम नागरिकों से अनुरोध है कि यदि वे अपने प्रत्याशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं, जो ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई है, उसका उपयोग करें।